हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का टोटल 8 चैप्टर फिनिश कर दिया है। तो अब हम लोग जो है वन बाय वन इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, ओके। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक्स से क्या करता है, रिलेट करता है। नंबर वन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। यस, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर दूसरा दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिया। इट इज ऑल्सो करेक्ट। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। इट इज ऑल्सो करेक्ट। देन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ये हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर दिस वन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। अब दूसरे की बात करते हैं हम। स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ पर जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इसमें जो करेक्ट है। पहला है, एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, करेक्ट है ये। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इकोनॉमिक्स स्टडी कॉमन मैन, ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ए बी एंड सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, की पॉइंट्स इन लियोन रॉबिन्स डेफिनेशन। पहला जो लियोन रॉबिन्स ने बताया है कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इट इज करेक्ट। दूसरा बताया है, मीन्स आर लिमिटेड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। देन बताया है, वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स हमेशा क्या होता है, ग्रेडेबल होता है, आई मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, थर्ड वन, ए बी एंड डी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या आता है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेल्थ। वेल्थ के स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला, वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अ मनी, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज एक्सटर्नल ह्यूमन बींग, इट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। देन वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वेल्थ ऑलवेज हैव अ यूटिलिटी, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। सो वेल्थ इज केयर एंड एक्सचेंजेबल, तो ये हमारा आंसर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट वाला, ए बी एंड डी, क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी दिस वन। नेक्स्ट आता है लास्ट वाला हमारा, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। तो पहला क्या आएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इट इज ऑल्सो करेक्ट। डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड वैल्यू इज कंसिडर एज पर द मार्केट प्राइस, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ए बी एंड सी। तो ये तो हमारा हो गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं कंप्लीट द कोरिलेशन की। पहला पूछा है नेचुरल साइंस, एग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट साइंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिजिक्स डैश साइकोलॉजी सोशल साइंस, तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, साइंस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य, वेल्थ ऑफ नेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडम स्मिथ, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा नेसेसिटी डैश कंफर्ट जोन वॉशिंग मशीन। नेसेसिटी में आप फूड लिख सकते हो, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, नेसेसिटी में आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज, और इकोनॉमिक गुड्स आएगा वैल्यू इन एक्सचेंज, ओके। अब क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बताता है, माई फादर परचेस्ड
अ टू व्हीलर व्हीकल दिस हेल्प्स टू फुलफिल माई ट्रेवल नीड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल नीड्स, क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल नीड्स हो जाएगा. देन अ स्टडी ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश, क्या हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों, क्योंकि ये एक फैमिली के फैमिली की इनकम को स्टडी कर रहा है. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा करुणास मदर सेव 1000 एवरी मंथ आउट ऑफ हर गिवन सैलरी, ये क्या हो जाएगा, सेविंग. अब ये क्वेश्चन स्किप हो गया. एज पर द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज बाय 20%, ये क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. देन राम्स फादर यूटिलाइज हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेटअप ग्रोसरी स्टोर, ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इसके जो आंसर्स है वो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. वेल्थ के अगर फीचर्स आप देखना चाहो तो ये वेल्थ के 4 फीचर्स हैं, यहाँ से आप वेल्थ के 4 फीचर्स को लिख सकते हो. फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. ठीक है. तो अब अग्री और डिसअग्री की बात करते हैं हम लोग. स्टेटमेंट वेदर रीजन वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम, डिसअग्री, क्योंकि कोई भी बहुत सारी वॉन्ट एक टाइम पर फुलफिल नहीं हो सकती है. दूसरा, ह्यूमन वॉन्ट्स चेंज एज पर द सीजन एंड प्रेफरेंस, यस अग्री. हम ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो हमेशा कैसे चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. देन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम, नो दे आर द डिफरेंट, बिकॉज वैल्यू इन यूज इज अ फ्री इकोनॉमिक गुड्स और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, इकोनॉमिक गुड्स. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आंसर यहाँ पर है, आप जाकर अपने टेक्स्ट बुक में देख कर लिख सकते हो. देखो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से डेफिनेशन, पहले आपको मीनिंग लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है, फिर आपके सारे स्टेट आंसर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं. यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ. आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. आप चैनल को जाके मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर.